أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज कल हमारे भाई ने मसला पूछा था टोपी पर यानी कि टोपी के इस्तेमाल पर हो तो उसके वाले से क्या सीखा हो जाता है। तो याद रखें एक पहला मसला कि सजदा कितने अज़ा पर है। कल की बात हुई थी सात अज़ा पर, उसमें परेशानी है और फुकहा ने इस तरह लिखा है जिस तरह अभी इनकी टोपी अगर आप इधर आ जाए ऐसे ही तरह। अब ये सजदा हो जाता है। इसी तरह एक और हमारे बल्कि मैं कह देता हूँ यूँ करके अगर कोई बंदा सजदा करता है तो वो नहीं होता, ठीक है। अब जिस तरह ये अब ऐसे नहीं होता, जिस तरह आप ये इमामा शरीफ है या आपकी टोपी यहाँ पर है तो परेशानी का तीन हिस्से, एक हिस्सा अगर छुपा हुआ भी हो तीन हिस्से परेशानी वाजे हो तो सजदा हो जाता है। इसमें कोई ममानियत नहीं है, इसको ज़हन में ज़रूर रखने। हाँ अगर किसी बंदे ने जिस तरह ये बच्चा है, अब इसको तो पता नहीं है ना, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि अगर इस तरह किसी ने ऐसे रुमाल जो है ना लपेटा हुआ है तो ऐसे नहीं होगा और ये इसका ज़रूर जो है इसका ख्याल रखें कि आप जब सजदा करें तो सजदे में पेशानी का, दोनों हाथों का, दोनों घुटनों का और दोनों जो है वो आपके पाँव का ज़मीन पर लगना ये ज़रूरी है। और यहाँ तक फुकहा ने लिखा है कि अगर एक बंदा सजदा कर रहा है और सजदा करते हुए उसने एक उंगल भी अगर दोनों पाँव में से किसी की भी ज़मीन पर नहीं रखी तो उसका सजदा ही नहीं होता। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है।